संकट मोचक की पूजा करते हुए ये तस्वीरें सुबह सुबह बजट के पहले। अशोक ठीक है, कुछ ही देर में उनके पास चलेंगे। सामने और ये भी लड्डू भी रखे हैं, बिल्कुल लड्डू रखे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी पूजा पाठ के साथ शुरुआत अनुराग ठाकुर यहाँ पर करते हुए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या संजीवनी बूटी वाकई लेकर निर्मला सीतारमण आ पाती हैं, क्योंकि जिस तरीके का सेटबैक इस वक्त अर्थव्यवस्था को लगा है कोरोना काल के मद्देनजर, उससे अब उबरने की जरूरत है। उस अर्थव्यवस्था को कैसे अब आगे बढ़ाया जाएगा, जो मंदी का दौर हमने देखा बीते एक साल में, ये कहा गया लगातार कि जब वैक्सीन आएगी तो इसमें सुधार हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में तेजी देखी जाएगी। लेकिन क्या वाकई इस अर्थव्यवस्था को पंख दे पाएगा इस बार का बजट, ये अब से कुछ ही देर बाद हम सभी जान पाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा विशेष पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बजट से पहले ये तस्वीरें सीधे लाइव वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के घर से आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ किया गया और यहां पर आरती करते हुए बजरंग बली की। क्या बजरंग बली ही बेड़ा पार लगाएंगे अंजना, या फिर बजट के जरिए इस बार संजीवनी बूटी मिलेगी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मतलब सब कुछ भगवान के चरणों पे। मैं अच्छी बात पूछूं, आप डर क्यों रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुस्से में मुझे लगा देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूजा के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी चाहिए, मतलब उनको नौकरियां, अर्थव्यवस्था बेहतर हो, कैसे पॉकेट में पैसा बचे, सब चाहिए। अगर आपकी भगवान में आस्था ना हो तो वैसे ही आपको आपकी बातों का विश्वास लोग कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको आस्था है, जिस भगवान में भी आस्था है, उसको उसके चरणों में पहले मत्था टेकना चाहिए, उसके बाद ही कोई बड़ा काम करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज वो भगवान के सामने खड़े हैं और उसके उनके मत्था टेकने के बाद ही ये बजट के पेश करने के लिए जो है कोशिश, जो उनके जो पूरा ध्यान लगा के पूजा किया है उन्होंने, बिल्कुल ध्यान लगा के, लेकिन उससे ज्यादा उनका ध्यान जो है देश की अर्थव्यवस्था पर है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि कुछ लोग नास्तिक लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे आलोक जी नास्तिक जो है बैठे हैं, ऐसे नास्तिक लोग शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए आपने कैसे तय कर लिया सर कि वो आस्तिक हैं नास्तिक हैं? इंजीनियर दिवाली हो रही है, इस बात पे भी इनको रोष आता है कि कोई पूजा पाठ कर रहा है। भाई पूजा पाठ करना उनका किसी ने भी, नांजना जी ने कहा, उन्होंने जिस तरह से आपकी हंसी आ रही है, हम तो कह रहे हैं कि राम राज्य आए, देखिए राम राज्य आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता, नहीं नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, सोमवार के कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है। हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके मनीष तिवारी ने कहा है कि ये 1991 के बाद सबसे महत्वपूर्ण बजट है। उम्मीद है वित्त मंत्री गंभीरता से समझेंगी पूरी गंभीरता जो इस बजट की है। 1991 के उस आर्थिक, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े संकट की तुलना उन्होंने 2020 से की है और कहा है कि उसी तरह की परिस्थितियों के बीच इस बार का बजट है। सबकी नजर रहेगी और वित्त मंत्री इसकी गंभीरता समझेंगी। लेकिन इसी में आप आलोक जी और आपके पूर्व मंत्री जी भी ये स्वीकार रहे हैं कि अभूतपूर्व परिस्थितियां थी, अब ऐसी महामारी जो सदियों में आती है वो आ जाएगी, तो संकट तो आएगा ही साथ में, मिलके उभरना होगा। अंजना जी, महामारी को एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, फॉरन लौट रही। अशोक जुड़ गए हमारे साथ। अशोक, बातचीत करेंगे क्या अनुराग ठाकुर अब वहां मौजूद पत्रकारों से? पूजा पाठ जिसकी मैंने बात की थी पहले, संकट मोचक के कदमों में देखिए पूजा करते हैं, बजट से पहले वो पत्रकारों से बातचीत करें। हाँ बिल्कुल, पूजा जरूर की है, वो हर साल की तरह पूजा करते हैं, सिर्फ बजट वाले दिन ही नहीं, वैसे भी हर रोज उनकी दिनचर्या का हिस्सा है पूजा करना, तो वो पूजा करके उसके बाद निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन मीडिया से बात करने के आसार कम है कि मीडिया से बजट के बारे में कोई बातचीत करें, लेकिन इतना जरूर है कि काफी उम्मीदें हैं, अनुराग ठाकुर हो या निर्मला सीतारमण, आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और सरकार भी के सामने जो चुनौतियां हैं पिछले एक साल जिस दिन से रहा उसको देखते हुए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, कृषि किसान से जुड़ा मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए भविष्य को देखते हुए इन तमाम चीजों पे पूरा फोकस किया जाएगा। अंजना, रोजगार कैसे निर्मित किए जाए क्योंकि काफी नौकरियां गई हैं, पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा, स्वास्थ्य को लेकर काफी फोकस रहने वाला है, जो महामारी रही, कुछ हॉस्पिटल्स की घोषणा की जा सकती है, ये तमाम चीजों पर इस सरकार की इस बजट में प्रायोरिटीज दिखाई देंगी कि उनको लेकर के काफी ध्यान दिया जाएगा, मिडिल क्लास को लेकर भी काफी ध्यान दिया जाएगा। अंजना, और अनुराग ठाकुर यहाँ से निकलने की बस तैयारी ही कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में अनुराग ठाकुर यहाँ से निकल करके वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक जाएंगे, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे निर्मला सीतारमण के साथ और उसके बाद पार्लियामेंट आएंगे। लेकिन खास तौर से बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं इस बजट को लेकर के, लेकिन अनुराग ठाकुर जैसे यहां से निकलेंगे अंजना, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हालांकि
आपकी सरकार, आपकी मोदी जी की सरकार कैसा बजट लेके आती है? मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा।